अरे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव। सॉल्यूशन, हमने मान ला नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर डिफेक्टेड, नंबर ऑफ डिफेक्टेड आइटम्स, डिफेक्टेड आइटम्स। तो हमने 12 सच आर्टिकल्स लिए हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टेड आइटम्स इन 12 आर्टिकल्स। सो एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 से लेके कहाँ तक लाई कर सकती है? 12 तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम 10% दिया हुआ है। सो 10/100 विच इज इक्वल टू 1/10। पी हमारे पास 1/10 हो गया। सो क्यू क्या हो जाएगा? 1 - p, दैट इज 1 - 1/10 विच इज इक्वल टू 9/10 हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच, एन की वैल्यू हमारे पास 12 हो गया। सो p x r n c r p रेज टू पावर r, क्यू रेज टू पावर n माइनस आर। हमने 9 आर डिफेक्टेड, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9 हमने फाइंड आउट करना है। सो 12 c 9 p 9 upon 10 raise to power 9 into 1 upon 10 raise to power 9 into 9 upon 10 raise to power 12 माइनस 9 कितना हो गया? 3 हो गया। 12 c 9 दैट इज इक्वल टू 12 c 3। सो 12 c 3, 12 into 11 into 10, ये इसके इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई 3 into 2 into 1। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, नीचे हमारे पास 1/10 raise to power 9 बन रहा है, 9 raise to power 3 into 10 raise to power 3, ठीक है। 3 2 6, ये 2 हो गया हमारा। एक 10 से मैं इसको कैंसिल करूँ तो 2 रह जाएगा। सो 2 into 11 22, 9 raise to power 3 डिवाइडेड बाई 10 raise to power 11 हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स, 10 आर डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स नन इज डिफेक्टिव इज, इनमें से हमने बताना है। सॉल्यूशन देखिए, लेट एक्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब हम पांच का सैंपल लिया है, तो एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 यही हो सकता है। प्रोबेबिलिटी सक्सेस डिफेक्टिव की 10 आर डिफेक्टिव, बल्ब इज डिफेक्टिव, दैट इज बल्ब इज डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी? 10/100 विच इज 1/10। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - p, दैट इज 1 - 1/10 विच इज इक्वल टू 9/10 हो गया। अब आउट ऑफ 5 नन इज डिफेक्टिव, वी हैव टू एन की वैल्यू हमारे पास 5 है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, नन इज डिफेक्टिव, दैट इज 5 c 0 p raise to power p 1/10 1/10 raise to power 0 and 9/10 raise to power 5, दिस इज 1 into 1 into 9/10 raise to power 5। सो आंसर कितना हो गया हमारा? सी आ गया, सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट स्विमर इज 1/5, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर इज, इनमें से ऑप्शन बताना हमने। सॉल्यूशन
लेट एक्स द नंबर ऑफ स्विमर स्टूडेंट्स ठीक है, कितने स्विम करते हैं. सो हम कितने ले रहे हैं आउट ऑफ फाइव. सो एक्स कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 and 5 हो गया. पी प्रोबेबिलिटी हम मान लेते हैं स्टूडेंट इज स्विमर. अब यहाँ पे नॉट स्विमर की प्रोबेबिलिटी 1/5 दी हुई है. सो 1 - 1/5 नॉट स्विमर की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, दैट विल बी 4/5 एंड क्यू हमारे पास दिया हुआ है 1/5 दिया हुआ है. हमने बताना है 4 आर स्विमर्स, एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5 है. सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 5c4 p raised to power 4/5 raised to power 4 इंटू क्यू. क्यू हमारा क्या है 1/5 raised to power 1. सो ये हमारे पास आंसर ए ही बन गया, यहीं से पता चल गया. सो ए इज़ योर राइट आंसर. ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस थे. चलिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में ये आपकी एक्सरसाइज 13.5 का लास्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.